आई वॉज अराउंड 8 years ओल्ड वन आई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बच्चों तो बड़ों बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और इस रेसिपी को सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट में झटपट अपने घर पे बना सकते हो और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा रेसिपी है वो दही टोस्ट का रेसिपी है। बहुत से घरों में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बच्चों और बड़ों सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मैं सोची आज मैं अपने तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम दही टोस्ट बनाना। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। दही टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और यहाँ मैं ले रही हूँ घर का फ्रेश दही जो कि मैं घर में जमाई हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। घर पे आप परफेक्ट दही कैसे जमा सकते हैं। तो 6 से 7 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर दी हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी बेसन। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ बेसन ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो दही टोस्ट है ना, बच्चों तो बच्चों बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और काफ़ी क्विक आप इसे घर पे बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। इसे चटपटा बनाने के लिए आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, इससे हमारा दही टोस्ट में काफ़ी अच्छा कलर आएगा। साथ ही यहाँ ऐड कर दूँगी मैं फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी ऐसा रहना चाहिए ना, जैसा ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, जैसा आप पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए जो बैटर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आइए अब दही में हम घी का एक तड़का लगा लेते हैं। एक पेन गरम कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून देसी घी जो कि मैं घर पे निकालती हूँ मलाई से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून राई और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 10 से 12 मीठे नीम का पत्ता जिसे हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से जब चटक जाए, देख सकते हैं इस तरीके से बहुत जल्दी ये तड़का लग जाता है हमारा। तो यहाँ हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इस तड़के को हम ऐड कर देंगे हमारा दही वाला बैटर में। फ्रेंड्स, बिल्कुल ये ना 5 से 7 मिनट में झटपट बन जाता है और ये काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट भी है। साथ ही आप इसको ना बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और झटपट बन भी जाता है। अक्सर होता है कि हम कभी कभी मॉर्निंग में लेट हो जाते हैं और हमें झटपट कुछ बनाना होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ली हूँ 3 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई या पेन आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं कढ़ाई ली हूँ, उसे बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ ही उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप इसके जगह पे बटर या ऑयल किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रेड का स्लाइस को हम इसमें बिल्कुल अच्छे से डिप कर लेंगे, दोनों साइड बिल्कुल अच्छे से हमें कोट कर लेना है ये बैटर इस तरह से। और अब हम इसे ऐड कर देंगे हमारा पैन में और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सेकेंड अच्छे से बिल्कुल रोस्ट होने देंगे। दोनों साइड हमें 1-1 मिनट के लिए रोस्ट करना है इस तरह से। देख सकते हैं हमारा दही टोस्ट यहाँ बनकर रेडी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। एक मैं आप लोगों को और बनाकर बताती हूँ। वापस हम 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड कर दिए। वापस से हमें एक ब्रेड लेना है, इसे बिल्कुल अच्छे से हमें दोनों साइड से दही का जो हमारा बैटर है उसे कोट कर लेना है और गर्मा गर्म इसे हम पैन में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मेरा बैटर इस तरफ से कम था तो वापस मैं ऐड कर दी। इस तरह से देख सकते हैं आप, मतलब बैटर बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ लगना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप रोस्ट करें। हाई फ्लेम में करेंगे ना फ्रेंड्स तो वो क्रिस्पी पन नहीं आएगा जो दही टोस्ट में आता है। देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा है, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, खाने में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और काफ़ी कम समय में ना ये दही टोस्ट हमारा बन भी जाता है। सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में मैं ये दही टोस्ट बनाकर रेडी की हूँ। ना ही कोई चॉपिंग करना है, ना ही कटिंग करना है, फटाफट से बन जाता है। इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा
ओनियन इस तरह से कट करके डाल देंगे और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।